रोल। आज सोलापुर शहर के बीजापुर नाका पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बालकृष्ण हनकुड़े पाटिल, इन्होंने सहारा नगर मजरेवाड़ी परिसर के रहने वाले आसिफ शौकत शेख, उम्र 40 साल, इस शख्स को अरेस्ट कर ताबे में लेकर उन्हें सोलापुर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुपमा पारशेट्टी मैडम इनके कोर्ट में हाजिर किया था। इस आसिफ शौकत शेख, यह इसम जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यह जो संगठन है वो संगठन के एक पदाधिकारी बोल के काम करते हैं, और हाल ही में पूना में कुछ दिनों पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस संस्था के कुछ लोगों ने जो निदर्शन किया था और जो एजिटेशन किया था, तो उस बेस पर पुलिस ने वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गुनाह दाखिल कर उनको हिरासत में लेने के बाद यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम पदाधिकारी और जो भी उनके कार्यकर्ते हैं वो कार्यकर्ते लोग सोलापुर शहर में भी जो है किसी टाइप का दंगा फसाद और किस टाइप का देश विरोधी कृत्य नहीं करना, इसके तौर पे ऐतिहासिक तौर पे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसे हम बोलते हैं, उस तौर पे 151 सीआरपीसी के अंतर्गत उन्हें हिरासत में लेकर आज कोर्ट में हाजिर किया था, और कोर्ट में उनको हाजिर करके आसिफ शौकत शेख इन्हें न्यायालय हिरासत में रखने के लिए 14 दिन की न्यायालय हिरासत रखने के लिए आवेदन सादर किया था। इस पर हमने आर्ग्यूमेंट करते हुए कोर्ट को ये कहा कि आसिफ शौकत शेख इनके ऊपर आज तक किसी भी तरीके के गंभीर आपराधिक मामले नहीं है, और आज तक आसिफ शौकत शेख इनके ऊपर किसी भी टाइप के जातीयवादी काम करने के और धार्मिक हिंसा फैलाने के मामले में भी किसी टाइप का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, और ऐसे आदमी के ऊपर जो है इस टाइप की अगर कार्रवाई की गई तो बहुत गलत होगा, और उनके जो मूलभूत अधिकार जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं, उस पे वायलेशंस होने के पूरी पूरी संभावना दिखती है। इसलिए आसिफ शौकत शेख इन्हें निर्दोष है और उन्हें बरी कर देने के लिए हमने कोर्ट से आर्ग्यूमेंट किया था, और कोर्ट में हमारा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और पुलिस लोगों का और सरकारी पक्ष का तीनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि फिलहाल सोलापुर के हालात जो है वो फेस्टिवल है, यहाँ पे नवरात्रि दशहरा उत्सव आने वाला है, और ऐसे हालात में जो पूना में हालात हो गए थे तो उस तरीके के हालात सोलापुर में ना हो, और दंगा फसाद किसी तरीका का नुकसान ना हो, के लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट ना हो, इसके लिए कोर्ट ने जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स पे आसिफ शौकत शेख इन्हें जो है 6 अक्टूबर 2022 तक की जो है न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया है। यह न्यायालय का आदेश है, हम इसका सम्मान रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है राइट है, अपील करना है, हमको न्यायालय का जो आदेश है वो मान्य नहीं रहने की वजह से हम जो है कल सोलापुर शहर के जो जिला व सत्र न्यायालय है, इस कोर्ट में हम आसिफ शौकत शेख इनके तरफ से अपील दायर करने की कोशिश कर रहे हैं।